हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। तो ये वीडियो भी अपनी खतरनाक लेवल की होने वाली है। तो गाइस, इस एडिटिंग को आप बड़ी आसानी से सीख सकते हो और मस्त वीडियो बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अगर ये एडिटिंग आप सीखना चाहते हो तो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, आप लाइक नहीं करते यार गाइस। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं कर रखा है तो क्यों सोच रहे हो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कैपकट को ओपन करना है, देन इस वाली फुटेज को आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, फायरवर्क्स की है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सिंपली डाउनलोड करना है, देन ऐड करना है, ओके। अब आपको इसके ऊपर अपनी फ्री फायर का जो इमोट है, जो क्लिप है, वो वाली क्लिप को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे ऐड ओवरले पे क्लिक करके आप उस क्लिप को ऐड कर सकते हो। पहले मैं ऐड कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ओके गाइस। तो आप देख सकते हो ये वाली क्लिप है, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और इसी के साथ मैंने सॉन्ग को भी ऐड कर दिया है। मैं बैक जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने सॉन्ग को ऐड कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बीट मार्क कर दिए मुझे, मतलब यहाँ से चेंजेस करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा प्रीव्यू में कि मैंने किस जगह से किस बीट पे ट्रांजिशन कर रखा है, ठीक है। तो वापस आपको आ जाना है अपनी वाली क्लिप पे, ऊपर यहाँ पे दिख जाएगी, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये जो बीट पॉइंट है ना गाइस, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली स्प्लिट लगा देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये जो क्लिप है गाइस, इस क्लिप पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ सेम टाइप का, बट वो अपनों ने काइन मास्टर में बनाया था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर आप लंबे समय से फॉलो करते हो, सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आपको पता होगा कि इस पे अपनों ने एक मस्त वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट दिया है, और वो वीडियो अभी भी रैंक कर रही है, ओके गाइस। तो इसी तरह से आप बस प्यार बनाए रखना। और ये जो क्लिप है ना गाइस, उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप इजीली इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, कि ये जो क्लिप है पीछे वाली, अपनों ने स्प्लिट लगाई थी, ओके, इसको आपको कर देना है स्लो, ठीक है। तो स्पीड पे आपको क्लिक करना है, नॉर्मल पे जाना है, और यहाँ पे आपको 0.3x तक स्लो कर देना है। मैक इट स्मूथर पे क्लिक करके आपको बेटर क्वालिटी सिलेक्ट करना है, देन आपको राइट पे आपको क्लिक करना है, 100% होने तक का वेट करना है। तो मैं होने देता हूँ इसको, ओके गाइस। तो अपना 100% तक हो चुका है और अपना एक स्मूथ स्लो मोशन हो चुका है, ठीक है। तो आप देखो ये अपनी क्लिप यहीं तक आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा रही है, तो इतना अपने को नहीं चाहिए वाला पार्ट। तो पीछे से आप इस तरह से ड्रैग करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको रखना है जहाँ तक आपका बैकग्राउंड वीडियो, ओके गाइस। अब क्या करना है दोस्तों, कि इसका जो स्काई है आपको रिमूव कर देना है। तो सिंपली आपको अपनी वीडियो पे क्लिक रखना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, ओके गाइस। इंटेंसिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपको रखना है 12, ठीक है। और यहाँ पे शेडो पे क्लिक करना है, इसको आपको फुल कर देना है, ठीक है, 100। और राइट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कितने परफेक्ट तरीके से अपना स्काई जो रिमूव हो चुका है और अपना बैकग्राउंड आपको क्लियरली नजर आने लग गया है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है गाइस, कि इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्ले करके बताऊं, ये देखो परफेक्ट बीट के साथ अपना स्काई चेंज हो गया, ठीक है, मस्त। अब अपने को हैप्पी न्यू ईयर का टेक्स्ट को ऐड करना है। तो आपको अपनी फर्स्ट जहाँ से बीट स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। शुरू से ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर में लिख देता हूँ फटाफट, और यहाँ पे आपको बबल का जो ऑप्शन दिख रहा है ना गाइस, इस पर आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे ये वाला उप्स वाला जो है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट में जाके आप इसके अंदर इफेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, ऐसे खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको जो भी इफेक्ट देना है वो दे सकते हो। पिछली कई सारी वीडियोज़ में इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप जाके देख लेना है। तो अभी ये इस टाइप की प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको VPN से कनेक्ट करके चलाना है, ओके गाइस। तो सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला एनिमेशन है ना गाइस, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एलास्टिक वाला। और इसकी जो लेंथ है ना गाइस, इसे आपको फुल कर देना है और राइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको आपको लेके चले जाना है लास्ट तक, जहाँ तक आपका सॉन्ग है, ठीक है, और आपका वीडियो है। तो इसकी लेंथ आपको और बढ़ा देनी है इस तरह से, और राइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके बताऊँ, ये देखो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों फाइनल काम है कलर ग्रेडिंग करने का। तो आपको अपनी लेयर पे क्लिक करना है, वीडियो क्लिप पे, ठीक है।
और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और एडजस्टमेंट पे जाना है और ये जो सारी चीजें आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस पे क्लिक करना है और ब्राइटनेस को आपको माइनस रखना है -15। ओके, कॉन्ट्रेस्ट को आपको प्लस रखना है 20 के अराउंड, सेचुरेशन को भी प्लस रखना है 15-14 के अराउंड, और एक्सपोजर को भी प्लस रखना है उतना ही, शार्पन को भी उतना ही रखना है 20-22 के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे HSL के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है गाइज। ओके, और हाईलाइट को आपको फुल रखना है, शेडो को थोड़ा सा डाउन कर देना है 20 के अराउंड, और टेम्परेचर को भी आपको डाउन रखना है उतना ही। और यहाँ पे आप चाहो तो इसको विग्नेट दे सकते हो, जिससे आपकी ये जो कॉर्नर है ना वो ब्लैक ब्लैक में हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से, या फिर व्हाइट देना चाहते हो तो व्हाइट, या फिर ब्लैक देना चाहते हो तो इस तरह से। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड है गाइस, ठीक है, इसको देना है या नहीं देना है। ओके, और राइट पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि इस क्लिप पे अपने को कलर ग्रेडिंग करना था, बाकी तो ये नॉर्मल रहेगी, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपनी वीडियो जो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो है ना गाइस, कितना आसान है इस वीडियो को बनाना, तो आप भी इजीली बना सकते हो अगर यहाँ तक आपने ट्यूटोरियल वीडियो देखा होगा तो। ओके, तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।